सर एक यूपीएल का चार्ट देखिए। अच्छा, यूपीएल पे हमने ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर देखते हैं तो यानी लॉन्ग टर्म चार्ट के, मंथली चार्ट से अगर शुरुआत करता हूं मैं, तो आपको दिखेगा कि पिछले 1-1.5 साल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ, यानी ऑल टाइम हाईज जो है स्टॉक के लिए उसके तरफ ये कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं। नीचे की तरफ से अंडर करंट है, 600 650 ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट बनती हैं, वहां वहां से स्टॉक को अंडर करंट मिल रहा है। अब ऊपर की तरफ जब भी ये जाता है 800 से लेके 850 की लेवल्स तक, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बन रहा है, यानी एक रेंज बाउंड सा ट्रेड है 800 850 ऊपर की तरफ और नीचे में 600 650 इस तरीके का। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर इसमें बनना हो या इसमें एक अपॉर्चुनिटी अगर बननी हो लॉन्ग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज है इस रेंज से इस स्टॉक ने बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब भी ये रेंज ब्रेक करके ऊपर चलेगा तो ऊपर में इसमें मुझे लगता है 1100 से 1200 तक के टारगेट्स इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन उस केस में वहां पे वो ब्रेकआउट के बाद हम रिव्यू करेंगे जरूर। फिलहाल इसमें भी उसी तरीके का एक ट्रेड, अभी फिलहाल तो ये दो लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो अभी करंट लेवल्स पे इसमें कुछ ट्रेड बनेगा नहीं, लेकिन अगर जब भी अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ मिलता है यानी सपोर्ट के आसपास जब भी ये आ जाता है, तब हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी 580 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर जब भी चलता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक स्विंग ट्रेड जरूर यूपीएल में बन सकता है, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखना है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर इसमें पोजीशन बनानी है, तो मुझे लगता है कि 800 850 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने की राह दिखनी जरूरी है। वो जब भी ब्रेक करेगा तो उसके बाद पोजिशन जरूर बन सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे, और बाकी नहीं तो ट्रेडिंग के लिए लोअर लेवल्स पे आएगा तो रेंज के अंदर में, तो वहां पे भी काम कर सकते हैं। ये क्या है,